ऐश्वर्या राय और चयान विक्रम स्टारर पोन्नियिन सेल्वन दो बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। अपने पहले वीकेंड पर ही इस फिल्म में किसी का भाई किसी की जान को धोबी पछाड़ दिया है और इतना कलेक्शन किया है। पोन्नियिन सेल्वन दो का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐश्वर्या राय और चयान विक्रम स्टारर PS1 की तरह ही PS2 भी इंडिया और वर्ल्ड वाइड ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है। वर्ल्ड वाइड तो ये फिल्म दूसरे दिन ही सभी भाषाओं में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म तेजी से आगे बढ़ रही है और अच्छा कारोबार कर रही है। चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि सभी भाषाओं में इस फिल्म ने अब तक कितना बिजनेस कर लिया है। मणिरत्नम के निर्देशन में बनी पोन्नियिन सेल्वन दो ने स्क्रीन पर आते ही धमाका मचा दिया है। हालांकि किसी की भाई किसी की जान महज हिंदी की भाषा में रिलीज हुई है, लेकिन सलमान खान का स्टारडम खुद में ही बहुत बड़ा है। उनकी फिल्में आते ही 100 करोड़ पार कर जाती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐश्वर्या राय की फिल्म PS2 जैसे ही रिलीज हुई, सलमान खान की फिल्म की कमाई घट गई। ऐश्वर्या चयान विक्रम स्टारर इस फिल्म ने तमिल भाषा में शनिवार को जहां 20.26 करोड़ तो वहीं रविवार को 22.39 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म का टोटल तमिल में कलेक्शन 61.17 करोड़ के आसपास हुआ है। PS2 ने वीकेंड पर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर ली है। हिंदी भाषा में इस फिल्म ने 3 करोड़ के लगभग रविवार को बिजनेस किया और वीकेंड पर टोटल 7 करोड़ का फिल्म का कलेक्शन रहा। इसके अलावा मलयालम भाषा में इस फिल्म ने टोटल 3.73 करोड़, कन्नड़ में 7 लाख, तेलुगु में टोटल 7.37 करोड़ का टोटल घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया है। सभी भाषाओं को मिलाकर इस फिल्म का टोटल कलेक्शन अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 79.34 करोड़ रहा। इंडिया में तो चोल साम्राज्य पर बनी मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन दो सफलता के झंडे गाड़ रही है। इसके अलावा PS1 की तरह ही ये भी दुनिया भर में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 28 अप्रैल 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने वीकेंड पर दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए लगभग 110 करोड़ से 115 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है।